हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोबारा HDFC बैंक के बारे में। एंड आपको पता ही है कि HDFC बैंक में अभी RBI ने कुछ दिन पहले कार्ड से उनके डिजिटल 2.0 से रिलेटेड उन पर रोक लगाई थी। एज वेल एज अभी RBI ने उनके ऊपर किसी दूसरी वजह से फाइन मारा है। कितना फाइन मारा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सब चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं लाइक कमेंट शेयर करिए। और अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आपका फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंजल ब्रोकिंग के साथ, जो कि SEBI के थ्रू रजिस्टर्ड है। और भरोसेमंद है, काफ़ी पुरानी है। फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है, जहाँ पर दूसरे ब्रोकरेज आपसे चार्जेस ले रहे हैं और जीरो डिलीवरी चार्जेस है, जो कि बहुत बेहतरीन बात है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि HDFC बैंक, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, इंडिया का नंबर वन प्राइवेट सेक्टर बैंक, इंडिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक आफ्टर SBI। काफ़ी बेहतरीन बैंक है। तो जैसे कि हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख रहे हैं, तो इसने हर साल 25 से 30% के रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है आपकी वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो चार्ट बॉटम से टॉप की तरफ जाता हुआ हमें नज़र आएगा। और अगर देखेंगे कि मार्केट जहाँ पर गिरी थी, लगभग 1200 रुपये के आसपास ये शेयर चलता था पैंडामिक में, और उसे भी क्रॉस कर दिया है। और उसे क्रॉस करके यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मल्टी बैगर लगभग 80% के यहाँ पर रिटर्न हमें देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो बैंक है, काफ़ी बेहतरीन बैंक है, काफ़ी भरोसेमंद बैंक है। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ नेगेटिव बात भी आती है तो देखिए, शेयर में गिरावट तो होती है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें 5 दिन का चार्ट पैटर, तो अच्छा खासा बैंक भाग रहा था, 1400 रुपये तक आ गया था। बट न्यूज़ आई, तो न्यूज़ के चलते देखिए शेयर में गिरावट आई, और फिर भी ज़्यादा नहीं, लगभग 2% 3% के आसपास ये शेयर गिरता हुआ हमें नज़र आया। जब ये शेयर गिरते हैं ना, तो इन्हें एक्यूमुलेट किया जाता है, ना कि इन्हें छोड़ा जाता है। तो एक न्यूज़ थी जिसकी वजह से गिरा था, और RBI ने जैसे कि अब दोबारा फाइन लगा दिया है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि HDFC बैंक है क्या। तो HDFC बैंक निफ्टी का एक बहुत निफ्टी 50 का पार्ट है, और तब से पार्ट है जब से निफ्टी 50 बनी थी। और अभी अगर हम देखें यहाँ पर December 1 का यहाँ पर हमें वेटेज दे रखा है, तो निफ्टी 50 का में HDFC बैंक का वेटेज कितना था, नंबर 1 पे दिखा रहा है HDFC बैंक का वेटेज कितना, 11.21%। और जहाँ पर रिलायंस का कुछ टाइम पहले भी 15 और 16% था, वो घट के अभी 11.17% रह गया। तो HDFC बैंक का वेटेज नंबर 1 पे चल रहा है। तो काफ़ी इस चीज़ को वैल्यू हमें देनी होगी। अगर रिटर्न्स के मामले की भी बात की जाए, तो यहाँ पर देखेंगे ना आप, तो 1 मंथ को छोड़ दीजिए, उसके अलावा अगर आप देखते हैं ना, 6 महीने में, जैसे मैंने ईयर टिल डेट भी दिखाया था आपको, तो लगभग जब मार्केट गिरा था उधर से दिखाया था, तो 80% के रिटर्न इसने दिए। तो फिर भी अगर हम देखते हैं ओवरऑल, तो 10 साल में इसने लगभग आपको 522% के मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं, जो कि आपको अच्छी अच्छी कंपनीज नहीं दे पाती। और अगर इसके फंडामेंटल्स की भी बात करें ना, तो काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटल्स है। रिजर्व्स देखेंगे ना आप, तो लगभग 1,70,437 करोड़ रुपए के यहाँ पर रिजर्व्स हैं कंपनी के पास। डिपॉजिट की भी बात की जाए, तो यहाँ पर देखिए 11,47,502 करोड़ रुपए के यहाँ पर डिपॉजिट है। और बोरिंग तो ऑब्वियसली बात है होगी ही, क्योंकि इनका काम ही लेंडिंग का है, लोन देने का काम है। और RBI के साथ इनका कैश बैलेंस लगभग 72,205 करोड़ रुपए का है। जो और इन्वेस्टमेंट की बात करें ना, तो कंपनी ने 3,91,826 करोड़ रुपए के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि हर चीज़ में अच्छा। और NPA भी देखें तो कंपनी का अगर ग्रॉस NPA देखें ना, ज़्यादा नहीं है, 12,649 करोड़ रुपए का NPA है। जो कि परसेंटेज 0.36% से दूसरे बैंकों की अपेक्षा बहुत कम है, बहुत कम है। तो कंपनी हर मतलब ये जो बैंक है, हर चीज़ में आपको परफेक्ट नज़र आती है। बट इसके पिछले 2 दिन से कुछ न्यूज़ आ रही थी, जिसकी वजह से लोग इसे बेच के जा रहे थे। तो सबसे पहले न्यूज़ तो ये थी कि यहाँ पर जो ये बैंक है, ये अपना प्रोग्राम कर रहा था डिजिटल 2.0। निजी बैंक की डिजिटल बिजनेस जनरेटिंग गतिविधियों के लॉन्च पर रोक लगाने पर। तो
तो आरबीआई ने इससे रिलेटेड इनका कुछ टाइम के लिए 12 घंटे के लिए आई थिंक कुछ इनकी एचडीएफसी बैंक बंद हो गई थी, कुछ डिजिटलाइजेशन के रिलेटेड मतलब ऑनलाइन कुछ एक्टिविटी हो रही थी तो जिस वजह से बंद हो गई थी, तो इससे रिलेटेड आरबीआई ने इनसे जवाब मांगा था जो कि इन्होंने जवाब दिया बट प्रॉपर जवाब नहीं दिया, तो आरबीआई ने अभी इन पर रोक लगा दी है और नए क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की सोर्सिंग पर भी रोक लगा दिया कि आप नए क्रेडिट कार्ड आप नहीं बेच सकते कितने 6 महीने के लिए। तो इसकी वजह से देखिए एसबी ये भी कार्ड का बिजनेस करता है, नंबर वन कार्ड मतलब कार्ड के मामले में नंबर वन है यहाँ पर इंडिया में, और फिर दूसरे नंबर पे एसबीआई कार्ड है। तो एसबीआई कार्ड जैसे ही ये न्यूज़ आई तो एसबीआई कार्ड भागा और बहुत अच्छा मतलब 50-60 रुपीज़ के आसपास यहाँ उसने जंप लगाई थी। तो ये तो हो गई कार्ड से रिलेटेड, बट अभी एक और न्यूज़ आई है जो कि आप ऊपर देख रहे होंगे कि एचडीएफसी बैंक को 9 दिसंबर को आरबीआई का आदेश मिला है और 10 ये 10 दिसंबर को खुलासा हुआ है क्या, तो उनके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, किस बात पर लगाया गया है, इस बात पर नहीं लगाया गया, ये डिजिटल सोर्सिंग ये अलग ही एक मैटर है जो कि यहाँ पर देखिए, जिससे 19 नवंबर को बैंक की एसजीएल अकाउंट में कुछ सिक्योरिटी में बैलेंस की कमी हो गई थी इस वजह से। तो एसजीएल अकाउंट होता क्या है तो आपको बताना चाहता हूँ, एसजीएल अकाउंट एक तरीके का डीमैट अकाउंट होता है जो बैंक खोलता है, जिसमें सरकारी बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें लोग अपने बॉन्ड्स रखते हैं और अगर उनकी में कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो बाउंस हो जाती है, जिस वजह से जैसे आपने बैंक अकाउंट ओपन कराया होगा तो आपसे 10,000 रुपये की एमएबी मांगते हैं, मतलब मंथली एवरेज बैलेंस आपके 10,000 होना चाहिए, इसी तरीके का ये अकाउंट होता है। तो इसमें भी एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स होता है कि इसमें एमएबी टाइप में होना चाहिए, तो अगर वो मेंटेन नहीं हो पाता तो उसके लिए आरबीआई ने उसके ऊपर चार्ज मारा है 10 लाख रुपये का एसजीएल। तो एसजीएल की फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एसजीएल यहाँ पर देख सकते हैं सब्सिडरी जनरल लेजर होता है और डीमेट अकाउंट की तरह का होता है। ओके, बैंक द्वारा सरकारी बॉन्ड्स रखा जाता है और जिसमें ग्राहकों की ओर से बॉन्ड रखते हैं और बॉन्ड में से जुड़े लेन देन वो फेल होने पर उनका एसजीएल बाउंस। तो एसजीएल बाउंस से रिलेटेड ही ये मामला है जिस वजह से आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर 10 लाख रुपए का यहाँ पर जुर्माना लगाते हुए हमें नजर आया। तो ये सब बात है, बट 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया क्या इसके कुछ इफेक्ट पड़ेगा, तो इसके ऊपर इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 10 लाख रुपये बहुत छोटी अमाउंट है एचडीएफसी बैंक के लिए। ओके, वो कभी 10 लाख रुपये यूं ही उसे पे कर देगा। ओके, आरबीआई को और ये शेयर को जो गिरावट है ये नहीं आने वाली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़। तो बहुत बेहतरीन बैंक है एक्यूमलेट, अगर आपको मौका मिलता है नीचे गिरे और आपको एक्यूमलेट करने का तो इस शेयर को आप खरीदिएगा, ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा तो काफ़ी बेहतरीन बात होगी। और अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको अकाउंट ओपन करता है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंजल ब्रोकिंग का, ओके, जिसमें आपका फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस।